डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोट। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स एंड ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के सामान्य लक्षण क्या हैं तथा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। शुरुआती क्लासें बच्चों आपके बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में ये है। जैसा कि हम बताते हैं आपको, इस तरह से आपका ये सिलेबस है और जिसका हम ये फर्स्ट इकाई पढ़ रहे हैं, आवर्त बीजों की उत्पत्ति एवं विकास। इसी में आगे चल के हम पढ़ेंगे पुरातन आवर्त बीजों एवं गैंगरेनल्स के कुछ सदस्यों का अध्ययन। तो इस तरह से सिलेबस है जिसकी हम फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ा रहे हैं। तो पहले हम इसका बहुत जनरल पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आपने 11th 12th के सिलेबस में कुछ चीज़ें पढ़ी जो कि डेप्थ में कम है। अब जो बीएससी का पढ़ेंगे उसमें सब्जेक्ट की डेप्थ को आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये डिग्री आपके एमएससी में भी हेल्प करेगी। एडमिशन भी बीएससी के नंबर के हिसाब से होता है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ग्रेजुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस वजह से आप इसको उस तरह से पढ़ें, ट्वेल्थ से जोड़ते हुए तो ज़्यादा अच्छा प्रॉपर वे में रहेगा। ये इस तरह से फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, कैसे रिसेप्टेकल होता है। सबसे बाह्य दल पुंज जो है उसका बाह्य दल है ये, दैट इज़ कॉल्ड सेपल। ये कलर्ड जो होता है ये पेटल्स है। ये वाला स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये पूरा पोर्शन ओवेरिकल आता है। ये स्टेमेन है जिसमें एंथर है और ये फिलामेंट है। ये वाला इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, इसको कार्पेल भी इकट्ठा करते हैं और इसको स्टेमेन इकट्ठा करते हैं। इस तरह से ये पुष्प के भाग हैं और लाइफ साइकिल देखें, बहुत ही अच्छा डायग्राम है बच्चों। कहीं बार हम कहीं प्रेजेंटेशन में आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपसी कोरिलेशन आपको बताता है। ये फ्लावर है, इसमें ये पार्ट्स लगे, ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये पोलन ग्लैंड्स में इस तरह से ये हैप्लोइड स्ट्रक्चर बने। सीधे शब्दों में कहें तो इसको स्पर्म न्यूक्लिया कहेंगे। इधर इसका रिडक्शन डिवीजन हुआ, आठ स्ट्रक्चर बने जो कि हैप्लोइड है, 3, 2, 5 और 3 8। फ्यूजन हुआ 2n और n का, तो 3n स्ट्रक्चर बना। n और n का हुआ तो 2n स्ट्रक्चर बना। 2n एम्ब्रियो बनाता है और 3n जो है वह एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ऐसे सीड स्ट्रक्चर बना, ये जर्मिनेट होगा और नया पौधा तैयार होगा। इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो होती है वह एंजियोस्पर्म की है, क्योंकि हमने पहले बता रहा है कि एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा विकसित प्लांट है, इससे कम विकसित जिम्नोस्पर्म है। तो कैसे विकास हुआ ये इस तरह की चीज़ें आएगी। तो जब इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, वेल डेवलप्ड में ये स्थिति है तो लेस डेवलप्ड में निश्चित रूप से ये इससे कम विकसित होंगी, और कहीं जगह जो विकास की लाइन मिलेगी तो हम उससे ये अंदाज़ लगाते हैं कि यहाँ से इसका ये उत्पत्ति हुई है। बेसिकली यही एम है आपको ये लाइफ साइकिल बताने का कि किस तरह से इसमें ये होता है। हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन, जो एंजियोस्पर्म प्रेजेंट है उसकी क्लासिफिकेशन तीन प्रकार से बताए गए। एक आर्टिफिशियल सिस्टम जिसमें एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स जो होते हैं प्लांट के उनके आधार पर दिया गया। दूसरा नेचुरल, ए लार्ज नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन द नेचुरल सिस्टम। फाइलोजेनेटिक यानी उद्विकास से संबंधित, इवोल्यूशन से संबंधित, ये बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी सिक्वेंस। इवोल्यूशन की सीक्वेंस के आधार पर है, जिसमें जेनेटिक रिलेशनशिप भी हो सकती है अलग अलग ग्रुप की। तो इस तरह से तीन प्रकार के सिस्टम है। ये बेंथम एंड हुकर है जिनका क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं अधिकतर केसेज में, क्योंकि भारत पे अंग्रेज़ों का शासन रहा है और यहाँ पर जितने भी हर्ब एरिया हैं ये इनके सिस्टम से ही अरेंज करे हुए हैं, जो कि उस टाइम ज़्यादा व्यवहारिक रहा। तो ये जेडी हुकर और बेंथम है, इनका क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं। ये इस तरह से इनमें है, जेनेरा प्लांटेरम बुक्स में है। बेंथम एंड हुकर
jointly published a vast work of the genera Plantae, in which they arranged their species according to the system, since it was last of the natural system and is widely accepted in the commonwealth country. Commonwealth यानी वो countries जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था वहाँ पर ये follow करी जाते हैं. आपने commonwealth games का नाम भी सुना होगा बच्चों, तो ऐसे correlate करके याद रखने की कोशिश करें तो आप अच्छा knowledge रख पाएंगे. Bentham and Hooker's system, Bernard Jew system, tried to classify the plants in Royal Guard, Paris. Our National Herbarium, Central Drug, during the exercise, he developed a system of classification, which is in fact the first in National Herbarium, is also natural system of classification. Soon after, A.P.D. Condell proposed, arranged according to Bentham Hooker system of classification. Based on the general principle of form relationship, the most popular of the natural system of classification was proposed by the two British, Bentham and Hooker. Bentham Hooker published the monumental work Genera Plantarum. This work includes names, accurate description and classification of all the seed plants known at that time. The term family was designated as order and the term order was named as the cohort. ये आगे हम डिटेल में भी लेंगे. इस तरह से बच्चों इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया जो आप यहाँ देख रहे हैं. आउटलाइन सिस्टम की बता रखी हमने इसकी, क्लास डाइकोटिलेडोनी, देन क्लास जिम्नोकार्पी, देन क्लास मोनोक्लेवाइडी. इस क्लास को सब क्लासेज में बटा, जैसे सब क्लास पॉलीपिटेली, गैमापिटेली और मोनोक्लेवाइडी. देन इन सब क्लास को बच्चों सीरीज में बांटा. सीरीज फर्स्ट दिख रही है आपको, देन इस तरह से सीरीज को फिर ऑर्डर में बांटे. थैले में फ्लोरी है, ये डिस्की फ्लोरी सीरीज है, ये इसके ऑर्डर से, देन इसकी कैलिसी फ्लोरी ये ऑर्डर सीरीज है, फिर इसके ये ऑर्डर से. इसके अंदर सीरीज को ऑर्डर्स में यहाँ से शुरू है, रेनल्स है, ये है फाइव अदर फैमिलीज, ये सेकेंड ऑर्डर इसका, ये थर्ड ऑर्डर, ऐसे ऐसे ये है. तो जब हम फैमिलीज का लेंगे, जब भी आपको वापस यही चार्ट हम दिखाएंगे और इस तरह से ये बताएंगे कि भाई कैसे बेंथम होकर के अकॉर्डिंग इस प्लांट की, इस फैमिलीज की ये पोजीशन है, ये सिलेबस है. पौधों के भोजन तथा तत्पश्चात औषधि के रूप में उपयोग की खोज मानव सभ्यता के इतिहास के प्रारंभिक दिनों में ही प्रारंभ हो गई थी. प्रारंभिक शिकारी समाज जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, ने अंत में पौधों के वर्गीकरण की नींव रखी थी. इस क्रम में खाद्य, विषैले औषधि, तीन प्रकार के पादप हैं, खाने योग्य, जहर वाले और औषधि योग्य. इस प्रकार वर्गी की उत्पत्ति. सबसे पहले मनुष्य ने पादपों को व्यवहारिक ज्ञान और आर्थिक उपयोग के आधार पर बनाया. जो प्लांट जैसा यूज का है उसके आधार पर उसको बताया. ये समूहन मूल रूप से पादपों की आकारिकी एवं उसकी सुगंधी, स्वाद एवं पोषक तत्वों पर आधारित थे. तब से लेकर अभी तक वर्गीकी के विकास में कई परिवर्तन हुए. आधुनिक वर्गीकी का आगमन 17वीं शताब्दी के मध्य में, जब स्वीडन में जन्मे कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑन नेचुरा को प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के वर्गीकरण, विशेषकर नामकरण की नई प्रणाली और क्रांतिकारी विधि दी. लीनियस ने से पूर्व सभी वर्णित जातियों को लंबे और जटिल नाम दिए जाते थे. ये इस तरह से बच्चों हर्बेरियम होता है. आपने देखा होगा हर्बेरियम शीट जो आपने स्कूलिंग में भी बनाते हैं बच्चों, हालांकि इतनी प्रॉपर नहीं होती पर प्लांट कलेक्शन का एक पार्ट है. तो ऐसे प्लांट का हर्बेरियम होता है, फिर इसको ऐसे रखा जाता है और उसको डिकम्पोज होने या नष्ट होने से ही भी अभी बचाते हैं. फंजाई वगैरह उसको नष्ट नहीं करे, वो भी स्प्रे करते हैं. आप पहले भी जान चुके हैं कि एक वनस्पति हर्बेरियम एक वो जगह है जिसे सुखाए गए आरोपित निर्दर्श मोटे शीटों पर किसी स्वीकृत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार भंडारित किए जाते हैं. सभी प्रकार के निर्देशों को कीटों की धूल, आर्द्रता और अन्य बाह्य कारकों से सुरक्षित स्थिति में बनाए गए विशेष प्रकार से ध्यान रखा जाता है. तो बच्चों यहाँ कलेक्शन करते हैं, जब फाइनली आइडेंटिफाई कराते हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में हर्बेरियम है वहाँ भेजते हैं, या फिर जोधपुर में NBRI है, जोधपुर के अंदर जो BSI का है पूरा ऑफिस वहाँ पर भेजते हैं, फिर अगर नहीं है तो वहाँ लखनऊ में भी NBRI में भी वहाँ भी हम आइडेंटिफाई कराते हैं. देखिए इस तरह का फिक्स प्रोसेस है, इसके तहत ये आइडेंटिफिकेशन का कार्य होता है, वो प्रॉपर लेबलिंग वगैरह करती है. ये इस तरह से वनस्पति संग्रहालय मेन ये हैं जो हमने यहाँ नाम दे रखे हैं वर्ल्ड लेवल के, इस तरह से ये टेबल है.
आवर्त बीजों में विकास की प्रवृत्ति। आज के युग में आवर्त बीजी पादप सर्वाधिक विकसित विविधता दर्शाने वाले तथा व्यापक स्तर पर पाए जाने वाले पादप हैं। ये पादप पृथ्वी पर सघन वनों से लेकर निर्जन बिलावान मरुस्थलों ऊंची पर्वत चोटियों से लेकर गहरे सागर तक पाए जाते हैं। आवर्त बीजों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करने से पूर्व निम्न बातें समझनी पड़ती है कि आवर्त बीजी क्या है, इनके पूर्वज क्या थे, उत्पत्ति का काल एवं स्थान क्या था, आवर्त जीवित पादप कैसे हैं, आद्य मतलब प्रिमिटिव लिविंग जो है एंजियोस्पर्म कैसे। फर्स्ट है आवर्त बीजी क्या। इन पादपों का मुख्य लक्षण जो इन अन्य समूह से अलग करता है, इसमें बीजांड का अंडक में सुरक्षित रहना है। निषेचन उपरांत मैच्योर अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। इन पादपों में परागण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। निषेचन उपरांत ट्रिप्लोइड भ्रूण पोष का बनना इनका प्रमुख लक्ष्य है। पूर्वज के बारे में, आवर्त बीजों के पूर्वज कौन थे, एक रहस्य है, गुत्थी है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न धारणाओं के संबंध प्रस्तुत की, परंतु फिर भी कोई स्पष्ट प्रमाण फिलहाल तक क्लियर नहीं है। आवर्त बीजों न केवल जिम्नोस्पर्म के विभिन्न समूह जैसे साइकेडोफिलिकल, साइकेडेल्स, कॉर्डेटेल्स, बेनेटाइटेल्स, कोनीफरेल्स और नीटेल्स से भी समानताएँ दिखाते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स भी जो है ये इनके पूर्वजों की श्रेणी में रखे गए, जैसे इक्विसीटेल्स, लाइकोपोडियल्स और साइलोफाइटेल्स को भी रखा गया है। आवर्त बीजों की उत्पत्ति एवं काल एवं स्थान। उत्पत्ति के काल को लेकर भी वैज्ञानिकों में मतभेद है। मोमेनियन तथा एप्टियन स्तर पर से कूपर ने दक्षिणी इंग्लैंड से क्रिटेशियस युग का आवर्त बीजीय पराकर कूट वंश क्लेविटो पोलाइनाइट्स प्राप्त किया, जो आज के जीवाश्मीय एस्केरिना से मिलता जुलता है। क्रिटेशियस काल में जीवाश्मों में से 50 जीवाश्म आवर्त बीजी पादपों के। साल डार्विन के अनुसार बहुत कम संख्या में आवर्त बीजी पादपों का संपूर्ण धरती पर छा जाना एक न समझने वाला रहस्य है। प्लेस ऑफ ओरिजिन। सीवार्ड के अनुसार नॉर्थ टेम्परेट क्षेत्रों में आवर्त बीजी पादपों का उद्भव हुआ है, किंतु बाद में बर्फ के पिघलने से वहाँ की वनस्पति नष्ट हो गई। स्मित ये कहते हैं कि जब गोंडवाना और लोरेशिया क्षेत्र अलग अलग होने की प्रक्रिया में थे, उस समय मलेशिया के निकट इनका ओरिजिन हुआ। तत्तांजन का ये कहना है कि इनका उद्भव ऐसे क्षेत्र में हुआ होगा जहाँ वर्षा अच्छी होती होगी। जब किसी कारण से वर्षा नहीं हुई, तब सूखने से बचने के लिए अनुकूलन जो प्राप्त थे उससे ही वहाँ पर एंजियोस्पर्म विकसित हुए। प्रिमिटिव लिविंग प्लांट्स। 1940 के बाद से विश्व लोरा के अन्वेषण के बाद से अनेक ऐसे जीवित पुष्पधारी आवर्त बीजी पादप मिले जिनमें अत्यधिक आद्य लक्षण पाए गए, जैसे मैग्नोलिया, ड्रामिस जैसे पौधों को इरविन ने जीवित फॉसिल का लिविंग फॉसिल का नाम दिया, जो कि अनुकूल परिस्थितियों के कारण विलुप्त होने से बच गए। इन पादपों के मिलने से स्पष्ट हो गया है कि आवर्त बीजी के सर्वाधिक पुरातन कुल मैग्नोलियल्स गण में आते हैं। इसमें अधिकांश आद्य लक्षण हैं, जैसे एक्सिस रिसेप्टेकल पर सर्पिला कार क्रम में व्यवस्थित स्वतंत्र पुष्पीय चौड़े पर्ण रूपी पुंकेश्वर जो पुतंतु तथा परागकोश में विभेदित नहीं होते। खुले अंडक, एक छिद्रीय परागकण, ये लक्षण है। इवोल्यूशनरी अगर ट्रेंड हम देखें तो कई वर्षों के अनवरत शोध के पश्चात वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि आवर्त बीजी पादपों का उद्भव पॉलीफाइलेक्टिक था। इस तथ्य के अनुसार इस प्रकार के पादप प्रकृति में कभी उपलब्ध नहीं थे जिससे आज के एंजियोस्पर्म का विकास होगा, अर्थात आवर्त बीजी के सभी लक्षण अलग अलग दिशाओं में पृथक पृथक रूप से विकसित हुए। ये सभी आद्य एवं प्रगत लक्षण आपस में एक प्रकार से गुथे हुए पादप में उपस्थित थे कि वे पादप एंजियोस्पर्म कहलाने योग्य हो गए। अतः आवर्त बीजी के विकास के लिए कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी के द्वारा जुटाए गए अपर्याप्त प्रमाणों को आधार बनाकर अपना मत प्रस्तुत करते हैं। ईम्स ने कहा है कि एंजियोस्पर्म के विभिन्न कायिक एवं पुष्पीय संरचनाओं से पहले बढ़ती हुई जटिलता देखी गई है। आवर्त बीजों के विकास की गुत्थी को समझने के लिए एक एक लक्षण को इस तरह से भी हम देख सकते हैं। हैबिटेट, ऐतिहासिक जीवाश्मी जातिवर्ती भौगोलिक भ्रौणिकी आदि संरचना के प्रमाण से प्राप्त हो चुके आद्य आवर्त बीजी पादपों की प्रकृति वर्षीय थी। लीव्स के आधार पर देखें तो एंजियोस्पर्म में आद्य कुल में सरल अच्छिन्न कोर युक्त पर्ण मिलते हैं, जैसे रेनन्कुलेशिया में जो कि एक आद्य कुल है। अतः वैज्ञानिकों ने जेनस के रूप में मानते हैं। काष्ठीय पादपों में अनुपर्ण पाए जाते हैं, जबकि केवल 20 शाखीय पौधों में ही ये उपस्थित हैं।
संवहनीय संरचना। तने पर उपस्थित शाखाओं में दो लीव ट्रेस स्टील में एक स्थान रिक्त स्थल या गैप से विकसित होते हैं। यह फन जिम्नोस्पर्म आधे प्रिमेटिव आदि में पाई जाती है। ईडब्ल्यूसी नेट के अनुसार ट्राइलेक्टर प्रकार की परुसंधि एनाटॉमिकली आधे है, इसे यूनिलोक्युलर स्थिति का विकसित हुआ है। जाइलम को अगर देखें तो आधे प्रकार का जाइलम फर्म जैसा था, फर्न के जैसा, जिसमें ट्रेकिड्स इलोंगेटेड और सिलेंडर होती थी तथा कहीं स्केलेरिफॉर्म ब्रॉडर पिट्स उपस्थित थे। यह मैग्नोलीडी के कुल में भी पाई गई है स्थितियाँ। फ्लोएम को लें तो टेडोफाइट एवं जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम की सीव सेल्स में सीव एरिया स्पेस लाइट नहीं होते और सीव प्लेट्स वाल पार्ट्स पर संयुग्मित नहीं होती। इस प्रकार का अध्ययन जो है फ्लोएम जाइलम युक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। आद्य लोएम में चालनी तत्व लंबे एवं सक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं। कैम्बियमेन वास्कुलर बंडल काष्ठीय आद्य पादम में विकसित यदा पाई जाती है, किंतु विकास के दौरान इनका डिजनरेशन हुआ। इस शाकीय पादम में केवल संवहन पुल के मध्य ही पाई गई। पुष्पीय संरचना को लें तो एम्स के अनुसार आद्य पुष्प द्विलिंगी थे जो मैग्नोलिया के कहीं कुल में दिखाई देते हैं। पुंकेसर को लें तो आद्य पुंकेसर पर्ण के समान थे तथा पुतंतु तथा कनेक्टिव में विभेदित नहीं होते थे। कनेक्टिव की अनुपस्थिति के कारण दोनों लघु पीड़ने तथा लघु बीजाणु पर्ण के स्टेराइल ऊतक में धसी रहती है। कार्पेल को लें तो आद्य अंडरपों की संख्या एक या अनेक हो सकती है। इसमें अनेक बीजांड होते हैं जो उपांत मार्जिन से कुछ दूरी पर दो कतारों में व्यवस्थित रहते हैं। आगे बच्चों आप आगे की क्लासों में जब जाएंगे तो ये बुक्स देख सकते हैं। लॉरेंस की हैं, वाई डी त्यागी क्षेत्रपाल की पुरानी वेल स्टेब्लिश बुक है, मंडल की हैं जो न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी से है, नायक की एक सांबा मूर्ति की भी आती है। बच्चों ये बुक्स आपको कंपटीशन में भी हेल्प करेंगे। आजकल ऑनलाइन कल्चर का ज़माना है, बुक्स की इमेज भी आप साथ में देखें ताकि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ये देखना आसान रहे, ऑर्डर करना आसान है। थैंक यू।